के बाज़ार में यहाँ पे जो सब्जी लगाने आते हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं पर उसके बदले में रसीद नहीं दी जा रही है। इस तरह की अवैध वसूली भौरपुर बाज़ार में क्यों की जा रही है और जो अवैध वसूली कर रहे हैं हम उनसे पूछेंगे कि किसकी इजाज़त से वो यहाँ इस बाज़ार में वसूली कर रहे हैं और रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? उसको पूछो ना। आपका क्या नाम है? आप पैसे ले रहे हैं यहाँ सब्जी वालों से? आपका नाम क्या है? फुल सर। तो आप जब सब्जी वालों से यहाँ पैसे ले रहे हैं तो उनको रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे पंचायत बोल रहे हैं सर, पंचायत बोल रहे हैं सर, लोग कर रहे हैं का। पंचायत में किसने बोला? सरपंच ने बोला, सचिव ने बोला, खेत साल वाला था। रुकना। क्या लगता है आपको, ये आपके तरफ से एक तरह की अवैध वसूली है या नहीं? दूसरा है भैया, बिना रसीद के यहाँ आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है, क्या ये सही है? सही तो नहीं है। तो आप लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? अब पता नहीं। आप कौन से गांव से? भी मैं तो गौटेक से हूँ भैया। गौटेक से? ये सरायपाली विधानसभा? हाँ नहीं, ये बसना, मैं बसना विधानसभा का हूँ, भौरपुर सरायपाली विधानसभा। अच्छा, तो यहाँ पे जो अभी हो रहा है बिना रसीद दिए पैसे लिए जा रहा है, पंचायत की तरफ से लिए जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये सही है गलत है? ये गलत है, रसीद नहीं दे रहे हैं तो ये गलत है जी। इसमें चबूतरा वगैरह बनता, अच्छा से आने जाने का, मतलब ग्राहक को भी सुविधा होता, लेने में झुकना नहीं पड़ता। बिना रसीद के ले रहे हैं तो समझो ये ब्लैक मनी है ये।